मैं डॉक्टर बालेश्वर प्रसाद लोक स्मार्ट चैनल से तमाम ताजा ब्रेकिंग न्यूज के साथ आइए देखिए ब्रेकिंग न्यूज। बिरादरी के वोट भी नहीं सहेज पाए दारा सिंह, गठबंधन के बाद पहली परीक्षा में फेल हो गए राजभर। इन चुनाव में दारा सिंह चौहान को उनकी जाति के लोगों ने वोट नहीं किया, अवसरवादी और बाहरी होने का मुद्दा बड़ा बन गया। वहीं राजभर गठबंधन के बाद हुए पहली परीक्षा में फेल हो गए। इस बार भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान अपने बिरादरी के वोट भी नहीं सहेज पाए। पिछले चुनाव में जब दारा सपा से चुनाव में उतरे थे तो उन्हें 42.21% वोट मिले थे। इस बार उन्हें मात्र 37.54% ही वोट मिले, यानी दारा सिंह अपनी नोनिया चौहान जाति का भी भरपूर वोट नहीं ले पाए। घोसी विधानसभा क्षेत्र में करीब 55,000 नोनिया चौहान मतदाता हैं, लेकिन दारा को इसका फायदा नहीं मिला। अहम बात यह है कि पिछले चुनाव में भी भाजपा हारी थी और उसके प्रत्याशी विजय राजभर को भी 33.57% वोट मिले थे। इस बार भाजपा का मात्र 4% वोटर ही बढ़ पाया। उधर सपा को पिछले चुनाव में 42.21% मिला था, इस बार पार्टी उम्मीदवार सुधाकर को 57.19% मत मिले। सपा को इस बार 15% वोट ज्यादा मिले। गठबंधन के बाद पहली ही परीक्षा में फेल हुए राजभर। भाजपा से गठबंधन के बाद ओम प्रकाश राजभर की यह पहली परीक्षा थी, पर वे इसमें फेल हो गए। माना जा रहा था कि उपचुनाव में राजभर जाति के लोगों का भाजपा को भरपूर साथ मिलेगा, इसके बड़े दावे भी किए जा रहे थे, क्योंकि सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर भाजपा के पाले में आ गए और यहाँ राजभर मतदाताओं की संख्या भी लगभग 50,000 है। इस लिहाज से समीकरण तो बेहतर थे, लेकिन राजभर मतदाताओं का साथ दारा सिंह को नहीं मिला। यदि मिलता तो हार जीत का अंतर इतना ज्यादा ना होता। अवसरवादी और बाहरी का मुद्दा दारा सिंह के हार की बड़ी वजह। उपचुनाव में सपा ने भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के खिलाफ अवसरवादी और बाहरी होने का मुद्दा उठाया। सपा ने मतदाताओं के बीच बताया कि 16 महीने पहले चुनाव जीतने के लिए दारा सिंह भाजपा छोड़कर सपा में आए थे। चुनाव जीतने के बाद अब मंत्री बनने के लिए फिर भाजपा में चले गए हैं। इतना ही नहीं, दारा सिंह के खिलाफ बाहरी होने का मुद्दा भी खूब उछाला गया। आजमगढ़ के मूल निवासी दारा सिंह 2017 में मऊ की मधुबन सीट से चुनाव लड़े थे, तब वह बसपा छोड़कर भाजपा में आए थे। इसके बाद 2022 का चुनाव आया तो वह भाजपा छोड़ सपा में चले गए और मऊ की घोसी सीट से चुनाव लड़े और जीते। 2023 में दारा सिंह फिर घोसी से चुनाव लड़े, लेकिन इस बार सपा की जगह भाजपा से थे।